स्टॉल में भी तो कभी घुसने वाला नहीं है, स्टॉल तो बहुत कॉस्टली होता है। और आपको हम बता दो, योकुम जो एक हमारा एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है विच इज सेलिब्रेटेड बाई इसी पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Oh,
इसी भाषा में संतुंग बोलता है। ये दो लगाने से दो मित्र सक्रिफाइज होता है और एक लगाने से आपका इसका मतलब है एक मिथुन सक्रिफाइज हुआ है, तो इससे पहचाना जा सकता है। मिथुन काटने का बाद जो बाहर से देखने वाला लोग अगर वो प्रेजेंट भी नहीं होगा तो इसको देख के मालूम हो जाएगा कि कितना मिथुन सक्रिफाइज हुआ है। ये हमारा सी धोनी युगम से थोड़ा अलग है। और ये देखो लोकल वाइन यहाँ में डाला गया है, इस तरह से किया जाता है। और ये आतंक का इस्तेमाल हुआ है। उसको देखा था हम वीडियो खींच लेगा ये। गलत घर में नहीं, मैं फोटो खींचेगा क्या? चलो उधर आओ ना। लाइन होने से भी प्रोग्राम जो बहुत लंबा सफर होके खाना जहाँ में बात रहा है पहुँचने वाला है, वो उधर से शुरू किया था ना। 10 मिनट तो करा कर ही लिया होगा। खाना खा दिया है और खाना खा के अभी जाएगा। और आदमी लोग बोल रहा था न्योकुम में कुछ खाने नहीं मिलता है, न्योकुम में कुछ खिलाता नहीं है। आज आप पहली बार आके देखा तो वो आदमी लोग गलत है, न्योकुम में बिल्कुल खाना खिलाया जाता है। लेकिन वही है क्यों लाइन थोड़ा लंबा होता है, इसलिए कोई लोग ऐसे लाइन करा करने मनने होके जाके बाद में बोलता है न्योकुम में कुछ नहीं खिलाता है, बिल्कुल खिलाया जाता है। हम लोग का शीत होनी में भी ऐसा ही होता है, आपको लाइन में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा तभी खाना खाने को मिलेगा। दारू भी मिला था लोकल वाइन और इसका बाद मीट सब कुछ बढ़िया था। एंड थैंक यू सो मच और सभी को हैप्पी न्योकुम। आज बाल तो दो।